दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मैं भी आप लोग की दुआ से अच्छी हूँ। तो दोस्तों, आप सभी का हमारे न्यू ब्लॉग में स्वागत है। आज का ब्लॉग जो है दोपहर से स्टार्ट हो रहा है, तो इस टाइम बज रहे हैं 2। और दोस्तों, आज है 22 जनवरी। अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन होगा, जिनकी तैयारी में सारे लोग लग गए हैं अपने घर की साफ़ सफाई करने के लिए। इसलिए हम भी शुरुआत कर दिए हैं। नीचे की तो साफ़ सफाई हो चुकी है, पिछले ब्लॉग में आप लोगों ने देखा कि मैं जो है पूरे घर की लिपाई गोबर से कर दी है, क्योंकि गोबर से माना जाता है कि घर पवित्र हो जाता है। तो उधर नीचे की साफ़ सफाई हो गई है और उसके बाद मैं आ जाती हूँ ऊपर के रूम को जो है साफ़ ऑफ करने के लिए, क्योंकि आज घर पर जो है दीपक जलाया जाएगा राम जी के स्वागत में। भले ही अयोध्या नहीं जा सकते हैं, लेकिन घर पे तो उनका स्वागत कर ही सकते हैं। दोस्तों, शाम के समय जो है हमारे घर दिवाली मनाई जाएगी, हमारे घर ही नहीं सबके घर मनाई जाएगी। तो इसलिए सारे लोग बहुत ही जोरों शोरों से तैयारी में लगे हुए हैं, तो बस हम भी जो है जल्दी जल्दी अपना कर लेते हैं। दोस्तों, पूरे घर को मैं जो है अच्छी तरह से साफ कर ली हूँ और ऊपर का रूम जो है ज़्यादा गंदा नहीं रहता है, क्योंकि कोई ऊपर रहता ही नहीं, बस भैया ही सोते हैं, तो इसलिए जल्दी गंदा भी नहीं होता है। और पिछले दिनों में दोस्तों आप लोगों ने देखा कि मकर संक्रांति पे जो है मैं पूरे घर की क्लीनिंग की थी बहुत ही अच्छे से, यानी झाड़ू उड़ू भी लगाई थी और उसके बाद पूरे घर को धूल भी दी थी, तो ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, तभी जो है ज़्यादा गंदा भी नहीं हुआ है, तो इसलिए जल्दी जल्दी हमारा धुला भी जा रहा है। और हम लोग को कुछ काम रहता है तभी हम लोग छत पे आते हैं, वरना हमेशा नीचे ही रहते हैं। तो बस मैं यहाँ पे फटाफट अपना धूल लेती हूँ और चादी भी मेरे साथ आई है, तो ये भी देख रही है कि बुआ जो है कैसे कर रही हैं, क्योंकि चांदनी जो है हमारे बगल की भाभी की लड़की है, तो बस वही जो है ऊपर इधर से उधर हो रही है और उसे भी जो है खुशी हो रही है। भले ही हेल्प नहीं करा रही, लेकिन जो है साथ साथ रह रही है, तो अच्छा भी लग रहा है। तो दोस्तों, अंदर का रूम हमारा धुला गया और उसके बाद मैं आ जाती हूँ बाहर साइड बरामदे में धुलने के लिए। और ठंड इतना ज़्यादा लग रही है दोस्तों, ना क्या बताऊँ मैं आप लोग को। बाहर साइड आप लोग देख सकते हैं थोड़ा बहुत धूप भी निकला है, लेकिन साथ में जो है ठंड ठंड हवा भी बह रही है, जिसकी वजह से पानी में तो एक मिनट रहने का मन नहीं कर रहा है। लेकिन क्या करें, आज घर पर दिवाली मनाई जाएगी तो घर को तो क्लीन करना ही पड़ेगा ना। ऊपर मैं जो है साफ सफाई में लगी हुई हूँ और नीचे अमृता जो है बाकी की तैयारी में लगी हुई है, तो फटाफट मैं ऊपर का धूल लेती हूँ, क्योंकि मुझे मार्केट भी जाना है। मार्केट जाने से पहले मुझे जो है नहाना भी और भी कुछ काम करना है, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ जैसे ही ऊपर की साफ़ सफाई हो जाए वैसे ही चलते हैं नीचे। और नीचे तो अब मुझे जो है साफ़ सफाई करना नहीं है, क्योंकि पिछले ब्लॉग में आप लोगों ने देखा कि नीचे की सफाई तो मैं कर चुकी हूँ, बस ऊपर का ही रह गया था। तो फाइनली दोस्तों यह भी हो गया है। और चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ अमृता क्या कर रही है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं अमृता जो है मंदिर की साफ़ सफाई में लग गई है। तो सबसे पहले जो है सारा फ़ोटो नीचे उतार लिए और जो है अलमारी को भी अच्छी तरह से साफ़ कर लिए, और उसके बाद बारी बारी से सारे फ़ोटो को जो है साफ़ कर रही है। दोस्तों, अमृता जो है हमसे पहले ही नहा चुकी है अपना काम करके, और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं फ़ोटो भी जो है सारा साफ़ कर लिए। तो हम मंदिर में एक एक करके जो है लगा रही है, और आप लोग को पता है ये रेड वाला जो पेपर है अमृता ही डेकोरेट की है मंदिर। पहले मंदिर जो है वैसे ही था, उतना अच्छा नहीं लगता था, लेकिन जब से ये पेपर लगा दिए यानी डेकोरेट वाला रेड वाला, तब से मंदिर हमारा बहुत ही सुंदर दिखने लगा और अच्छा भी लगता है। और देख सकते हैं मंदिर की क्लीनिंग हो चुकी है, और कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उसके बाद दोस्तों मैं इधर आ जाती हूँ बर्तन धुलने के लिए, और आप लोग देख सकते हैं कितना ज़्यादा बर्तन है। हाँ, आधे घंटे मुझे लग गए हैं बर्तन धुलने में ही। अब फटाफट धुल भी देती हूँ। दिन में बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं, रात में अगर आप धुलेंगे तो ज़्यादा बर्तन नहीं रहते हैं, क्योंकि एक ही बार जो है सबको भोजन करना रहता है, लेकिन दिन में जो है एक दो बार सारे लोग भोजन करते हैं। और साथ में दोस्तों जो है सुबह के टाइम दाल चावल सब्जी रोटी सब कुछ बनता है, तो इसलिए ज़्यादा बर्तन हो जाता है। और मैं जो है फटाफट धुल भी लेती हूँ, क्योंकि मुझे जो है मार्केट भी जाना था। तो उसके बाद धुलने के बाद मैं तुरंत नहा ली और यहाँ पे
छत पर आ गई हूँ धूप लेने के लिए, क्योंकि एकदम अच्छा धूप निकला हुआ है। तो इधर मम्मी भी नहा चुकी है, अमृता तो पहले ही नहा चुकी है, और बाबू भी हमारा सोकर उठा है तो उसे हम दूध दे दिए, तो वह पी रहा है और थोड़ा दूध पी लेता है। उसके बाद कह रहा था कि दादी के पास हम जाएंगे, मम्मी की गोद में जो है सोकर दूध अपना पीता, और उधर हम लोग जो है दाना और बेली खाने लग जाते हैं। और फिर मम्मी कह रही थी जल्दी से खाकर चली जाओ मार्केट, क्योंकि अभी जो है प्रसाद भी लाना है। तो मैं मार्केट जाने ही वाली थी, फिर देखी यहाँ पे अमृता जो है पूजा की तैयारी कर रही है, तो मैंने सोचा आप लोग को पहले थोड़ा सा दिखा देती हूँ। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो प्रीति मार्केट से दीपक लेकर आई थी, राम जी की तरफ से मिला था 5 दीपक, तो उसे अमृता डेकोरेट कर दिया और बहुत ही प्यारा लग रहा है। आप लोग को कैसा लग रहा है कमेंट में जरूर बताइएगा। जय भगवान जी। बाती पूजा होगा। बाती। और यहाँ पे बाकी के दीपक घर पे थे, तो मम्मी कह रही थी उसे भी जला दो, तो अमृता फिर लेकर आती है और सारे दीपक में जो है बाती लगाती है, और साथ में बाबू भी जो है उसके पूजा कर रहा है, उसे भी बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है। और फिर दोस्तों यहाँ पे अमृता जो है संध्या के समय पूजा जो होता है तो उसे कर रही है, और साथ में बाबू भी घंटी बजा रहा है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं मैं गई थी मार्केट, और वहाँ से आधा के जी लड्डू लेकर आई थी, क्योंकि मम्मी के पास ज़्यादा पैसे थे नहीं, तो कह रही थी इतने में ही ले लेना। ये नहीं है दोस्तों कि ढेर सारा मिठाई लेकर आए तभी जो है खुशियाँ मनाई जाए, ऐसी कोई बात नहीं, आपसे जितना हो सके उतने में ही खुशियाँ मनाइए। तो फिर मम्मी जो है भगवान जी के लिए भोग लगा देती हैं, और उसके बाद दोस्तों अब हम लोग लग जाते हैं राम जी के स्वागत में जोरों शोरों से तैयारी करने के लिए। तो यहाँ पे मम्मी जो है पूजा कर रही है, और साथ में मैं भी मम्मी के जो है हेल्प करवा देती हूँ दीपक जलाने में। और दोस्तों आप लोग देख सकते हैं सारे दीपक जो है कितने प्यारे लग रहे हैं, एक ही साथ मंदिर में इतना सारा दीपक जला है, क्योंकि कहीं जगह नहीं था, तो मम्मी कह रही थी चलो ज़्यादा दीपक नहीं यहीं पे जला देते हैं, और बाद में जब पूजा हो जाएगा तो फिर सारे दीपक हर जगह रख दिया जाएगा। तो दोस्तों कैसा लग रहा है हमारी तैयारी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो फिर मम्मी यहाँ पे जल्दी जल्दी पूजा कर लेती हैं, क्योंकि बाबू जब से लड्डू को देखा है तब से रो रहा है कि दादी हमें जो है प्रसाद चाहिए, हम लड्डू खाएंगे, तो इसलिए मम्मी जल्दी जल्दी पूजा भी कर लेती हैं। और साइड में आप लोग देख सकते हैं बाबू रो रहा है लड्डू के लिए, तो फिर मम्मी यहाँ पे पूजा कर लेती हैं और बाबू को सबसे पहले लड्डू देती हैं। चुप आ गया क्या? कौन खाएगा? तुम खाओगी? बुआ को भी खिला दो। हाँ बाबू खिला रहा है क्या? ऐसे खा लो, तुम खा लो, बाबू हमारा बड़ा खाओ जाए। भगवान जी जय कियो बाबू, भगवान जी जय कियो। तो दोस्तों फाइनली पूजा हो चुका, और यहाँ पे मैं भी भगवान जी का आशीर्वाद ले लेती हूँ, और उसके बाद दोस्तों ये प्रसाद आप लोग के लिए, तो आप लोग भी खा लीजिए प्रसाद। और फिर मम्मी जो है बारी बारी से सबको प्रसाद देने के लिए जा रही हैं, तो अंदर प्रीति को दे चुकी हैं, और फिर बाहर जो है पापा आग के पास बैठे थे तो उन्हें भी दे देती हैं, और अंदर देख सकते हैं दीदी अमृता और बाबू सारे लोग हैं। तो दोस्तों सारे लोग प्रसाद खा चुके हैं और हम भी खा चुके हैं, और उसके बाद चलते हैं हर जगह दीपक रखने के लिए। और मंदिर में सारे दीपक बहुत ही प्यारे लग रहे थे, क्योंकि आज पहली बार जो है इतने सारे दीपक जो है हमारे मंदिर में एक साथ थे, क्योंकि दिवाली पे भी जो है ज़्यादातर एक ही दो दीपक जलते हैं, लेकिन आज जो है कम दीपक था तो इसलिए मम्मी वहीं पर जला दी थी। तो बस मैं हर जगह अब रखना शुरू कर देती हूँ, सबसे पहले दोनों द्वार पे रख देती हूँ, और फिर बरामदे में रख देती हूँ, और उसके बाद दोस्तों अंदर किचन में भी मम्मी कह रही थी रख दो तो यहाँ पे रख दी हूँ। और अब चलते हैं ऊपर, छत की बारी आ गई तो ऊपर भी चलिए फटाफट रख देते हैं, और उसके बाद भोजन बनाने की तैयारी करते हैं। तो
दोस्तों सब कुछ तो हो गया था बहुत ही अच्छे से, लेकिन एक चीज़ की कमी रह गई थी तो जिसे अमृता पूरा कर दी। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं रंगोली नहीं बनी थी तो अमृता को अच्छा नहीं लग रहा था, तो कुछ कलर घर में थे तो अमृता वहाँ पे डेकोरेट कर दिए। और यहाँ पे बाबू जो है लड्डू अपना खा रहा है। और फिर हम किचन में आ जाते हैं तो यहाँ पे अब भोजन बनने की तैयारी हो रही है, जो दीदी पहले से ही कर रही हैं। तो सबसे पहले दीदी जो है गोभी को फ्राई कर दी थी तेल में, और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो है आलू भी तेल में फ्राई कर रही हैं, क्योंकि पापा कह रहे थे थोड़ा अच्छा सब्जी बनाना, तो हर चीज़ जो है फ्राई रहेगा तभी जो है सब्ज़ी टेस्टी बनेगी, वरना उतना टेस्टी नहीं लगेगा। तो बस यहाँ पे देख सकते हैं आलू भी हमारा फ्राई हो चुका है, तो प्लेट में दीदी निकाल देती हैं। दोस्तों इधर जो है दीदी सब्जी बनाने की तैयारी कर रही हैं, और दूसरी साइड में जो है चूल्हे में आग जला रही हूँ, क्योंकि हर रोज़ की तरह जो है रोटी और चावल मुझे चूल्हे पे ही बनाना है आज। तो हम लोग सोच रहे थे कि घर पे पूड़ियाँ बनेंगी, क्योंकि सब्जी इतना टेस्टी बन रहा है तो उसके साथ पूड़ी तो चाहिए, लेकिन दोस्तों पैसे ना होने की वजह से तेल नहीं आ पाया, तो जिसके लिए जो है रोटी चावल और सब्जी ही बनेगा। मम्मी कह रही थी जाने दो कोई बात नहीं, अगली बार हो सकता है पैसे रहे तो मतलब पूड़ियाँ छना सकती है, लेकिन इस बार दोस्तों सच में घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है ना, तो इसलिए ज़्यादा कुछ की उम्मीद भी नहीं कर, जितना है उतने में ही खुश रहना चाहिए और साथ में खुशियां भी मनानी चाहिए। तो बस इधर देख सकते हैं आप लोग दीदी जो है एक तरफ सब्जी बुन रही हैं और दूसरी साइड जो है टमाटर कट कर रही हैं, क्योंकि दोस्तों आज सच में सब्जी बहुत ही टेस्टी बनी थी, क्योंकि ये जो है एक दिन पहले का ब्लॉग है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं लहसुन मिर्चा का पेस्ट पहले ही दीदी डाल दी थी, और उसके बाद प्याज भी भून दी थी, प्याज हमारा भुना गया तो उसमें टमाटर जो है कट करके डाल दी थी, और टमाटर गलने के लिए दीदी इसमें हल्का सा नमक का छिड़काव कर दिए ताकि टमाटर जो है हमारा जल्दी से गल जाए। और इधर देख सकते हैं हमारा जो है रोटी और चावल बन रहा है। और दोस्तों आप लोग को पता है जब मैं रोटी बनाती हूँ और जब हमारा वीडियो बनता है तो हमारी रोटी जो है फूलती नहीं है, मैं तो ये बहुत बार देख चुकी हूँ, और आज भी आप लोगों ने देखा कि हमारी रोटी जो है नहीं फूली है, ना जाने ऐसा क्यों मेरे साथ होता है। अगर वीडियो नहीं बनेगा तो हमारी सारी रोटियां जो है फूलती रहती है, लेकिन जब कोई आ जाएगा बनाने के लिए तब जो है फूलती ही नहीं है। दोस्तों यहाँ पे दीदी जो है सब्जी में मसाला वसाला डाल चुके हैं, और यहाँ पे देख सकते हैं आलू गोभी जो फ्राई किए हैं उसे रखी हुई हैं। जब मसाले पक जाएंगे अच्छी तरह से, यानी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मसाला कुछ समय बाद हमारा पक गया है, तो इसमें आप दोनों चीज़ ऐड कर देती हैं और फिर अच्छी तरह से चला कर ढक देती हैं। और दोस्तों आज जो है हमारे घर रस्से वाली सब्जी नहीं बनेगी, पापा बोल रहे थे थोड़ा जो है सूखा तरफ बनाना ताकि जो है खाने में टेस्टी लगे, तो इसलिए वही सूखा जैसे ही बनेगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं देखने में इतना अच्छा है तो सोचिए खाने में कितना ज़्यादा टेस्टी लगेगा, लेकिन उतने में हो नहीं सकता। तो बस दीदी थोड़ा सा इसमें जो है पानी भी ऐड कर दिए हैं, और उसके बाद धनिया का छिड़काव कर दिए हैं, और सब्जी दोस्तों सच में बहुत ही अच्छी बनी थी। तो यहाँ पे जो है मैं सबके लिए प्लेट लगा देती हूँ, सबसे पहले मम्मी पापा के लिए तो यहाँ पे दे चुकी हूँ उन लोगों के लिए, और मम्मी पापा यहाँ पे खा लेते हैं। और उसके बाद चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि अंदर हमारा बाबू क्या कर रहा है, वो मस्ती कर रहा है। और वीडियो फिर यहीं पे समाप्त करते हैं, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हेलो रोटी है, कौन दिया है? बुआ दिए है ना, कौन खाएगा? बाबू खा लो, खा लो जल्दी से खा लो, खाकर बाबू मेरा सोएगा। सोओगे ना? हाँ सो जाना बुआ के गोद में। और दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएगा, अच्छा लगा तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।